तो दोस्तों देखिए, ये हमारा एक वॉशिंग मशीन है जिसका ड्रायर का जो ढक्कन होता है वो टूट गया है। ठीक है, वॉशिंग सेक्शन का ढक्कन पहले ही टूट गया था, लेकिन ये देखिए इस तरह से टूट गया है। ये सही से काम भी नहीं कर रहा, इसका ब्रेक भी नहीं लग रहा है। और वॉशिंग करने के बाद जो कपड़ा हम लोग सुखाते हैं तो सुखाने के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखिए ये पूरी तरह से टूट गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरह से ठीक करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये ठीक होने होना ये इसे हम लोग ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लास्टिक का, ठीक है, तो प्लास्टिक का जो चीज़ होता है वो टूटने के बाद ठीक नहीं होता है। आप इसे मतलब रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो बहुत ही पुराना हो चुका है, 10 साल का ये वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक जुगाड़ बताएंगे आपको किस तरह से आपको इसे मतलब करना है, ब्रेक किस तरह से लगेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, हमारा वॉशिंग मशीन स्पिनर काम करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे इसका ब्रेक के लिए कोई जुगाड़ आज आपको बताएंगे किस तरह से करना है। ठीक है, तो ढक्कन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को ऊपर वाला जो जहाँ पे स्विच लगता है उस पोर्शन को पहले हम लोग को खोलना पड़ेगा बैक साइड से। तो यहाँ पे देखिए एक नट लगा हुआ है, इसे हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी एक नट है, देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसे भी हम खोल लेते हैं। चलिए स्क्रू को आप सही से रख लीजिए। अब इस ढक्कन को हम लोग अलग कर लेंगे। देखिए इस ढक्कन को खोलने के लिए बहुत सारा यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है। ठीक है, लॉक को अच्छी तरह से देखकर ही हमें खोलना है, नहीं तो टूट जाएगा ऊपर का पैनल। ठीक है, अब देखिए ये खुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो एक वायर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी हम सामने से आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये वाला। ठीक है, ये क्या है कि ये हमारा ब्रेक का काम करता है, और जब तक ये हम नीचे से खोलेंगे नहीं तब तक ये खुलने नहीं देगा। ठीक है, तो नीचे से हम आपको दिखाते हैं कैसे खोलना है इसे। दोस्तों जैसे ही पीछे का आप ढक्कन खोलिएगा तो यहाँ पे जो है देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा स्पिनर सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉक को हम लोग को पहले खोल लेना है। इस तरह का फॉल्ट देखिए सबके साथ होता है। ठीक है, क्या है कि बहुत दिन होने के बाद इसका जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो खराब हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो ढक्कन क्या होता है कि बहुत के घरों में मैंने देखा है कि ढक्कन जो है वो हमेशा खराब ही हो जाता है। तो देखिए ब्रेक का जो ये है वायर मतलब केबल जो है वायर का जो पट्टी है ये वो हमने निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अलग करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए जो ढक्कन जो है ये पूरी तरह से यहाँ से टूट चुका है। अब इसका इसे बनाना नामुमकिन है। अगर आपको नया मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए अगर यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट भी करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ दिन में ही ये खराब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग ढक्कन को ही हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले जो है ये जो ब्रेक का वायर है इसे हम पहले यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो अब हम क्या करना है कि ढक्कन तो हमने खोल लिया है, अब तो ढक्कन हमारा टूट गया, तो ये देखिए ये हमारा ब्रेक का वायर है। ठीक है, और ये ब्रेक वाला वायर जब तक ये ऐसे ही रहेगा तो हमारा जो स्पिनर है वो चलेगा नहीं। तो ये ब्रेक वाला वायर को हम लोग क्या करेंगे, ये खींच के इस तरह से खींच के हम लोग को कहीं पे इसे लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसे छोड़ते हैं तो ब्रेक हमेशा के लिए लगा हुआ रहेगा, मोटर कभी नहीं चलेगा। तो आप इतना याद रखिएगा, अगर मोटर आपका नहीं चल रहा है तो ज़रूर आपका ब्रेक का प्रॉब्लम है, ब्रेक को भी आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसे इस तरह से खींच कर यहाँ पे हम लोग को कहीं पे लॉक लगाना होगा। तो उसे उसे लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग इस तरह का जीआई वायर लेंगे। ठीक है,
किसी भी तरह का जीआई वायर ले लें आप, ताकि इसमें इस तरह से आराम से इसे इसके हुक में इस तरह से फंसा के हम लोग इसे कहीं पे टाइट कर लें। तो टाइट करने के लिए क्या करना है हमारा, देखिए यहाँ पे हम एक स्क्रू हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसी स्क्रू की मदद से हम लोग इसे टाइट करेंगे। जी आई वायर को हम लोग इस तरह से लगाते हुए और खींचते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्क्रू में लगा देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह का बना लेंगे और ये बनाने के बाद ही स्क्रू में शायद लगेगा, ऐसे लगने वाला नहीं है। इस स्क्रू में अच्छी तरह से इसे फंसा लेंगे जीआई वायर को, ठीक है, ताकि वहां से निकले नहीं। तो देखिए ये हमने फंसा लिया है, अब हम इसे क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, तो यहां से ये निकलेगा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए ब्रेक हमारा जो है वो खुल चुका है, अब ब्रेक लगेगा नहीं ढक्कन के बगैर भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं और अभी आपको हम चलाकर दिखाते हैं ये काम करता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा स्पिनर एकदम फ्री है, देखिए इसमें ब्रेक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वो वायर हम लोग खींच कर नहीं बांधते, कहीं पे फंसाते नहीं, तो ये ब्रेक लगा हुआ रहता, ये घूमता नहीं। अब क्या है कि अब हम इसे चलाकर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें ब्रेक लगेगा नहीं, ये अपने आप ही बंद होगा, ठीक है।